400 के पार का बीजेपी का नाम। देखो देख लो अभी क्या होता है आगे आगे। अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्यों आगे आगे देख होता है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में भाजपा का नाम। हो सकता है मैं भी, मगर लोग समझ गए हैं, लोग समझ गए हैं, लोगों ने वोट देना है। भाजपा ने लोग वोट नहीं करना है, पब्लिक वोट करेगी तो तभी। चौधरीलाल सिंह जो है वो कास्तीगढ़ में तशरीफ ला रहे हैं, इस सब पे आप क्या कहेंगे? यह सर शुक्रिया आपके चैनल का और आपका, आपने हमें मौका दिया। बिजली बंद करती है यहाँ बहुत मुद्दत के बाद, आज इलेक्शन का माहौल रौनक शुरू हुई है। खुशी इसी बात की है, कुछ भी लगा सकते, देर हुई मगर दुरुस्त हुई, अच्छी बात है। इलेक्शन की शुरुआत हो गई तो पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत लोग अखाड़े में हैं, अब ये दंगल कहाँ तक चलता है ये सियासी लोगों को ही पता होता है। और हमें तो आज यही खुशी है कि कास्तीगढ़ के सरजमीन पे चौधरी लाल सिंह जी फिर दोबारा आ रहे हैं। और पहले भी एमपी रह चुके हैं, यहाँ अपनी छाप छोड़ के गए हैं पहले से, यहाँ पे तो हर इलाके को जानते हैं, हर आदमी को जानते हैं, हर दुख और दर्द समझते हैं। मैं बात करूंगा कि जब वो अपने दौर में बरसरे इकदार थे, बहुत से लोगों को उन्होंने रोजगार दिया था, जैसे कि लाइसेंस, मेडिकल को पे एक प्रेशर था, डॉक्टरों की इंक्वायरी होती थी, हॉस्पिटल में अच्छे से काम होता था। तो बस मुझे यही खुशी है, मुझे ये मैं दावे से ये कहता हूँ कि लाल सिंह बहुत अच्छा आदमी है और क्वालिटी वाला आदमी है। ऐसा क्यों किया? एनसी और कांग्रेस का कोलिशन क्यों? कोलिशन करने के बाद जो है टक्कर तो काफी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सामने है, सूरी साहब सामने है, क्या लगता है कि चौधरी लाल सिंह जो है इसमें कामयाब हो सकते हैं? देखो टक्कर तो यहाँ दो ही आदमी की है, भाजपा और कांग्रेस की। ये सुरूड़ी कहाँ से बीच में आप बता रहे हो? सुरूड़ी तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में। इनने तो बहुत पहले ही अपना वो खाता बंद कर दिया है। ये बीजेपी की बी टीम है, वो सुरूड़ी नहीं है, वो बीजेपी ही है। 400 के पार का बीजेपी का नाम। देखो देख लो अभी क्या होता है आगे आगे। अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्यों आगे आगे देख होता है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में भाजपा का नाम। हो सकता है मैं भी, मगर लोग समझ गए हैं, लोग समझ गए हैं, लोगों ने वोट देना है। भाजपा ने लोग वोट नहीं करना है, पब्लिक वोट करेगी तो तभी जीतेंगे ना। अब पब्लिक की बात है, पब्लिक जिसको जिताएगी तो वो तो आएगा। लोगों के बीच में हम जाके